देखिए, लास्ट टाइम हमने शटडाउन डिसीजन को लिया और उससे रिलेटेड एक दो और जो डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उनको हमने कवर किया। आज कुछ एक मिक्स्ड इलस्ट्रेशन जो है मार्जिनल कॉस्टिंग पर और इम्पोर्टेंट जो है उनको हम कवर करेंगे, और फिर उसके बाद लास्ट रह जाएगा अपना ब्रेक इवन चार्ट। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। आज टाइम बचा तो आज करते हैं। तो एक इलस्ट्रेशन मैं इसमें ले रहा हूँ, कुछ एक ये जो एग्जाम्पल जो मैं ले रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें एग्जाम्पल है कोई प्लास्टिक लिमिटेड है, इंडियन प्लास्टिक लिमिटेड, और वो क्या करती है प्लास्टिक की बकेट्स बनाती है, बाल्टी बनाती है। और जरा उसकी डिटेल्स देख लीजिए क्या कुछ है। वेरिएबल कॉस्ट अगर आप देखें 20 रुपीज, 20 रुपये पर यूनिट तो वेरिएबल कॉस्ट उस पर आती है। फिक्स्ड कॉस्ट की अगर हम बात करें तो हमें दे रखा है ₹50,000 पर एनम पूरे साल की। कैपेसिटी इसकी जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी है 2,000 बकेट्स। ठीक है, और सेलिंग प्राइस ₹70। नाउ दे वॉन्ट दैट वी शुड कंप्यू वी आर टू कंप्यूट फर्स्ट सिंपल सी चीज ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, देन नंबर ऑफ बकेट्स टू बी सोल्ड टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ ₹30,000। ये तो बड़ा सिंपल सी पॉइंट है दोनों। ठीक है, कितनी बकेट्स आपको सेल करनी चाहिए कि रिक्वायर्ड प्रॉफिट है ₹30,000। एंड थर्ड वन जो ये चाहते हैं आपसे, ये मेन पॉइंट्स है जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इफ द कंपनी कैन मैन्युफैक्चर 600 बकेट्स मोर पर ईयर विद एडिशनल फिक्स कॉस्ट ऑफ ₹2,000। ये कहते हैं कि हमारी कैपेसिटी अभी 2,000 की है ना, हम 600 बकेट्स और भी बना सकते हैं, अपनी कैपेसिटी को हम बढ़ा सकते हैं 600 बकेट से, लेकिन इसके लिए फिक्स कॉस्ट खर्च करनी पड़ेगी। फिक्स कॉस्ट इसके लिए एडिशनल आएगी ₹2,000। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस टू मेंटेन द प्रॉफिट पर बकेट एज टू अबव। अब इसको सेलिंग प्राइस फिक्स करना है। ठीक है, सेलिंग प्राइस टू मेंटेन, या लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, या लैंग्वेज पर ध्यान देना। ठीक है, टू मेंटेन द प्रॉफिट पर बकेट, प्रॉफिट पर बकेट, ठीक है, एज 0.2 अबव। यहां जो प्रॉफिट आ रहा है ठीक है, वो प्रॉफिट पर बकेट उतना ही बना रहे। अब आप गलती क्या करते हो इसमें, यहाँ आप ये ले लोगे कि अच्छा यहाँ प्रॉफिट 30,000 है, तो यहाँ पर भी आप रिक्वायर्ड प्रॉफिट 30,000 लेकर क्वेश्चन कर देते हो, लेकिन ध्यान दो कि प्रॉफिट पर बकेट कि यहाँ मुझे नहीं पता कितनी बकेट समय सोल्ड करनी पड़ेगी, तो वहां जो पर यूनिट प्रॉफिट आ रहा होगा वही प्रॉफिट पर यूनिट बना रहे, उस हिसाब से सेलिंग प्राइस फिक्स करना है। वैसे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, लैंग्वेज थोड़ा सा खासतौर पर 0.3 पर ध्यान देने लायक। तो बड़ी सिंपल सी चीज, सेलिंग प्राइस 70, वेरिएबल कॉस्ट 20, कंट्रीब्यूशन 50 हो गया, फिक्स कॉस्ट अभी जो एट प्रेजेंट फिक्स कॉस्ट हमने अभी ली थी दैट वाज ₹50,000। फिक्स कॉस्ट है ₹50,000। तो बड़ी सिंपल सी बात है, ब्रेक इवन पॉइंट मुझे चाहिए, तो 50,000 को मैं डिवाइड कर देता हूँ 50 से, तो 1,000 बकेट्स आर रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड सो दैट वी कैन अचीव आर ब्रेक इवन पॉइंट। देन पॉइंट टू, द रिक्वायर्ड प्रॉफिट इज ₹30,000। तो नंबर ऑफ बकेट्स टू बी सोल्ड, और ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, रिक्वायर्ड यूनिट्स टू बी सोल्ड, उसके लिए अगर रिक्वायर्ड प्रॉफिट हमें दे रखा है तो कितनी यूनिट्स हमें सोल्ड करनी चाहिए, तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट है ₹50,000, प्रॉफिट मुझे चाहिए 30,000 का, और आप यहाँ देखिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ₹50 है, यहाँ ₹50।
ठीक है, तो 80,000 डिवाइडेड बाय 50 ये आ जाएगा 1600 बकेट्स। अब यहीं से ही तीसरा पॉइंट समझने लायक है, ठीक है। वो कहते हैं कि प्रॉफिट पर बकेट उतना बना रहे जो पॉइंट टू में था, तो यहां देखिए प्रॉफिट पर बकेट इन पॉइंट नंबर टू, तो पॉइंट नंबर टू में हम 30,000 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं जब हम 1600 को बेचें, 1600 यूनिट जब हम सोल्ड करें तो 30,000 का प्रॉफिट हम अर्न कर पा रहे हैं। तो पर यूनिट प्रॉफिट आ रहा है 18.75। और अब मुझे सेलिंग प्राइस फिक्स करना है कि वो सेलिंग प्राइस फिक्स करूं कि जितनी यूनिट मुझे बेचनी है, यूनिट कितनी आएगी वो भी जरा आप देख लीजिए। नंबर ऑफ यूनिट्स अगर आप देखें 2000 यूनिट्स हैं और उसमें 600 और आप ऐड कर दीजिए, ठीक है, 2000 पहले से हमारी फुल कैपेसिटी है और हमने अपनी कैपेसिटी को बढ़ाया है और उसके लिए 600 बकेट्स एक्स्ट्रा, ठीक है। तो अब हम कितनी बकेट सोल्ड कर रहे हैं, 2600 बकेट्स, ठीक है, और प्रॉफिट पर यूनिट 18.75। तो अब आप यहां से ये देख लीजिएगा कि रिक्वायर्ड प्रॉफिट कितना है, 2600 मल्टीप्लाइड बाय 18.75 दैट विल बी 48,750, ठीक है। ये अब आपका रिक्वायर्ड प्रॉफिट है जो अब आपको चाहिए। तो अब तो बात बिल्कुल सिंपल सी हो गई है। फिक्स कॉस्ट कितनी है, फिक्स कॉस्ट 50,000 थी और उसमें 2000 रुपये फिक्स कॉस्ट हमें एक्स्ट्रा खर्च करनी पड़ेगी भाई, तो 52,000 हमारी अब फिक्स कॉस्ट हो चुकी है, ठीक है। और अब आपको सेलिंग प्राइस चाहिए, ठीक है, सेलिंग प्राइस तो हमें फिक्स करना है, सेलिंग प्राइस हमें चाहिए, ठीक है, कि जिससे कि हम इतना प्रॉफिट अर्न कर सकें, ठीक है। कैसे करेंगे, सेलिंग प्राइस कैसे फिक्स करेंगे, मेरे पास अगर सेल्स आ जाए तो मैं सेलिंग प्राइस इजीली फिक्स कर लूंगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस, अच्छा जो सेल्स है वो सेलिंग प्राइस पर डिपेंड रहेगी, ठीक है। तो अब थोड़ा सा एक चीज समझने वाली बात है, यहाँ आप थोड़ा सा अगर इस पर ध्यान दे, सेलिंग प्राइस आपको निकालना है, तो आप ऐसा कर ले, लेट सेलिंग प्राइस बी एक्स रुपीज, ठीक है। अच्छा वेरिएबल कॉस्ट पे तो कह रहा है कि कोई चेंज नहीं हो रहा, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वही 20 रुपए है, तो अब आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो जाएगा, सी पर यूनिट एक्स माइनस 20, ठीक है, ये अब आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो जाएगा। और अब आपको अच्छे से पता है कि हम अपनी रिक्वायर्ड यूनिट्स कैसे निकालते हैं। रिक्वायर्ड यूनिट्स हम निकालते हैं, देखो नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर रिक्वायर्ड प्रॉफिट अभी हमने निकाला, एफ प्लस पी डिवाइडेड बाय सी पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। तो नंबर ऑफ यूनिट्स तो अब मुझे पहले से पता है, 2600 यूनिट बेच रहा हूँ मैं, फिक्स कॉस्ट 52,000 है, प्रॉफिट 48,000 है, ठीक है, और कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, कंट्रीब्यूशन एक्स माइनस 20, या पहले सीधा सी निकाल ही लो ना, कंट्रीब्यूशन निकाल लो, सेलिंग प्राइस अपने आप आ जाएगा फिर यहाँ से, तो 2600 सी इज इक्वल टू 1,00,000। तो सी इज इक्वल टू, ये मैंने यहाँ गलत लिखा है, प्रॉफिट 48,750 था, तो 52,000 प्लस 48,750, सो 1,07,50 डिवाइड बाय 2600, ठीक है, इसको 2600 से आपने डिवाइड किया तो इट कम्स 38.75। कोई डाउट है आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं, पूछ लें अभी बेशक। सर नंबर ऑफ बकेट उसमें 2600 किया है, वहां 36 आएगा, आपने 600 ही ऐड किया है बेटा, 2600 ही आएगा, 2000 बकेट्स की हमारी कैपेसिटी है टोटल, देखो केवल 2000 बकेट्स हम बना रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हम 600 से अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, तो हमने बकेट्स कर दी 2600 और फिक्स कॉस्ट अभी है अपनी 50,000 रुपया, और इस 600 कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हमें फिक्स कॉस्ट खर्च करनी पड़ेगी 2000 रुपया और, तो फिक्स कॉस्ट होगी अपनी 52,000, लेकिन प्रॉफिट हमें चाहिए जो
पॉइंट नंबर टू में पर यूनिट जितना आ रहा था, तो पॉइंट नंबर टू में प्रॉफिट रिक्वायर्ड था 30,000 का, ठीक है, वो 30,000 रुपये प्रॉफिट था। तो 30,000 रुपये प्रॉफिट 1600 यूनिट बेच रहे थे। देखो हम 1600 यूनिट को सोल्ड करके, यहाँ देखो रिक्वायर्ड जो यूनिट्स अपनी आ रही थी 1600, तो इसका मतलब अगर 30,000 रुपये का प्रॉफिट आपको कमाना है 30,000 का, तो 1600 से आप डिवाइड कर दीजिए तो 18.75 ये आपका प्रॉफिट पर यूनिट है। और हम कह रहे हैं कि उतना ही पर यूनिट यहाँ बनाए रखो, यानी कि यहाँ आपको प्रॉफिट कितना चाहिए भाई, यूनिट तो 2600 सोल्ड कर रहे हैं और प्रॉफिट पर यूनिट चाहिए 18.75, यानी कि मुझे प्रॉफिट चाहिए कितना, इस 2600 को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रिक्वायर्ड प्रॉफिट इज 48,750 आता है। और अब क्वेश्चन वही बन गया, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये आ जाता है कि कितने यूनिट मुझे बेचनी है। फिक्स कॉस्ट आ रही है 52,000 और प्रॉफिट है 48,750, कंट्रीब्यूशन मुझे निकालना है अभी, और यूनिट्स मुझे पता ही है कि मैं 2600 यूनिट जब सोल्ड करूंगा तो ही ऐसा होगा, तो कंट्रीब्यूशन आ गया 38.75। और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट 20 रुपया है। तो अब सेलिंग प्राइस, आपको पता है सेलिंग प्राइस होता है वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन दोनों का जोड़, क्योंकि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाते हैं तभी तो कंट्रीब्यूशन आता है। तो सेलिंग प्राइस अब आपको फिक्स करना है तो 58.75, 58.75 सेलिंग प्राइस फिक्स करो तो आपकी कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी 600 बकेट से और प्रॉफिट पर बकेट भी उतना ही बना रहेगा जितना पहले आ रहा था 18.75। क्लियर या कोई डाउट, अब क्लियर हो गया बेटा? यस सर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक और अच्छा सा एग्जांपल है, ये जो इलस्ट्रेशंस है जो मैं करा रहा हूँ ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है, मैं अगर भी इसको लेता हूँ एक और। कोई कंपनी है, सिंगल प्लास्टिक कंपनी सेल्स, ठीक है, पूरा क्वेश्चन तो लिखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं रहेगा तो ध्यान से सुनते रहें जो मैं बोल रहा हूँ। कोई कंपनी है, सिंगल प्रोडक्ट कंपनी है और सेल्स इट्स प्रोडक्ट एट ₹60 पर यूनिट। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनते चलना, सेलिंग प्राइस इनका है 60 पर यूनिट, अभी जिस प्राइस पर बेच रहे हैं, ठीक है। इन 2011 द कंपनी ऑपरेटेड एट ए मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ 40%। ये कह रहे हैं कि 2011 वर्ष 2011 की परफॉर्मेंस है इनकी और यहाँ पर इनकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो था दैट वाज 40%। द फिक्स कॉस्ट अमाउंटेड टू ₹3,60,000, फिक्स कॉस्ट है 3,60,000 एंड वेरिएबल कॉस्ट रेशो टू सेल्स, ध्यान से सुनिए, वेरिएबल कॉस्ट का सेल्स से रेशो 80%, यानी कि सिंपल सी बात, वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का 80% है, या मैं यूं भी कह सकता हूं ना कि इसका पीवी रेशो 20%। भाई 100 रुपये सेलिंग प्राइस, 80 रुपये वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि 20 रुपये क्या हो जाएगा उसमें प्रॉफिट, सॉरी कंट्रीब्यूशन। तो ये सिचुएशन थी 2011 में। अब कह रहे हैं कि 2012 में क्या हुआ, इट इज एस्टिमेटेड दैट द वेरिएबल कॉस्ट विल गो अप बाय 10%। वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गई 10%, ओके, एंड फिक्स कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 5%, फिक्स कॉस्ट जो है वो भी बढ़ जाएगी 5% से। फाइंड द सेलिंग प्राइस रिक्वायर्ड टू बी फिक्स्ड इन 2012 टू अर्न द सेम प्रॉफिट पीवी रेशियो, सेम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो एज इन 2011। अब कह रहे हैं सेलिंग प्राइस अब आपको फिक्स करना है भाई, सेलिंग प्राइस यहाँ तो 60 रुपये था लेकिन यहाँ कितना है वो अब आप फिक्स करो, और फिक्स ऐसे करो कि पीवी रेशियो वही बना रहे जो पहले था। पीवी रेशियो कितना था यहाँ, 20% था, तो यानी कि सेम वही पिछली बार वाला पीवी रेशियो बना रहे 20%, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने के बावजूद, ठीक है। आगे दूसरी बात, फिर इन्होंने सिचुएशन को फिर से बदल दिया, क्वेश्चन में लैंग्वेज है, इसमें मेनली लैंग्वेज को समझना है, ठीक है। अब मैं यहाँ इस तरह से बोल रहा हूँ तो आपको उस चीज़ सिंपल लग रही है, क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको लैंग्वेज को साथ साथ समझना पड़ेगा। आगे कहते हैं एज्यूमिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ ₹60 पर यूनिट, हम मान लेते हैं, चलो पहले तो आपसे सेलिंग प्राइस हमने फिक्स करवा लिया, फिर इसके बाद बात फिर से बदल दी,
मैंने कहा चलो यार सेलिंग प्राइस तो 60 रुपये ही रख दो, बाकी सब चीज़ें सेम है, ठीक है। पर 60 पर यूनिट इन 2012, 2012 में भी हम 60 रुपये ही रखेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड टू अर्न द सेम प्रॉफिट। अब मुझे सेम प्रॉफिट दे दो। देखो उसने दो बातें पूछी है कि वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गई, फिक्स कॉस्ट बढ़ गई, तो पीवी रेशियो सेम रखना हो तो बताओ कितना सेलिंग प्राइस लो, या प्रॉफिट सेम रखना हो और सेलिंग प्राइस भी मैं 60 रुपये ही रखना चाहता हूं तो बताओ मैं कितनी यूनिट बेचूं, ठीक है। तो अब यहां आप देखो 2012 पहले देख लिया करो बेस क्या है। 2012 में जो कुछ हमें करना है, मतलब या नेक्स्ट ईयर में जो हमें करना है, अभी तो कह रहा हूँ 2021 में बैठे हुए हैं, लेकिन चलो ये क्वेश्चन पुराना है तो पुराने उसी हिसाब से हम बात करें। तो 2012 में जो कुछ होना है, ठीक है, वो उसका बेस क्या है 2011 का, एक तो प्रॉफिट पीवी रेशियो और एक प्रॉफिट। तो पहले हमें ये दोनों बेस निकालने पड़ेंगे वर्ष 2011 में क्या कुछ है। तो आइए सॉल्यूशन शुरू करें। 2011 को पहले हम एनालाइज कर लेते हैं। ये अपना सेलिंग प्राइस है भैया 60, वेरिएबल कॉस्ट 80% है, यानी कि इसका 80% हो जाएगा 48, तो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा पर यूनिट 12, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 12 है तो पीवी रेशियो हो जाएगा अपना 12 / 60 × 100, यानी कि 20% अपना प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हो जाएगा, ठीक है। अभी हमें एक चीज और चाहिए, हम प्रॉफिट और चाह रहे हैं, ठीक है। और प्रॉफिट के लिए आप अगर यहाँ देखें तो यूनिट्स नहीं है अपने पास। ये देखिए क्वेश्चन हमने लिखा, हमने कहा कि भैया ये तो अपनी फिक्स कॉस्ट है और ये है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यूनिट्स कितनी है वो हमें नहीं पता है, ठीक है। तो कैसे करें, बिल्कुल सिंपल है। आपको इस तरह के क्वेश्चन में एक बार पहले करवा भी चुका हूँ कि फिक्स कॉस्ट अब आपके पास है, फिक्स कॉस्ट 3,60,000 और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मेरे पास है, ठीक है, और पीवी रेशियो भी है, तो मैं यहां से सेल्स जो ब्रेक इवन पॉइंट इजीली निकाल सकता हूं, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा 3,60,000/20%, यानी कि 3,60,000 जो फिक्स कॉस्ट है अपनी, उसका एक तरह से 5 गुना हो जाएगा 18,00,000 रुपया। ये आज मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है, मतलब 2011 में। अब मुझे पता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो मुझे दे रखी है 40%, और ये मैं पहले आपको बता भी चुका हूँ कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी जब भी परसेंटेज में हो तो ये किसकी परसेंटेज समझी जाएगी, ये हम समझेंगे टोटल सेल्स की परसेंटेज, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपल सी बात होगी, इसका मतलब हो गया कि इफ टोटल सेल्स अगर 100 है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40, तो ब्रेक इवन पॉइंट पर आने वाली सेल्स 60, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी होती क्या है, सेल्स अबव द ब्रेक इवन पॉइंट इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कि जितनी ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर की जो सेल्स होती है उसी को तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोल रहे हैं। तो 100 में से 60 ब्रेक इवन पॉइंट घटा दें तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40 आ जाएगा, और ऐसे ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी को घटा दें तो ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा, ब्रेक इवन सेल्स 60। तो यहां से मुझे टोटल सेल्स निकल आएगी। टोटल सेल्स कैसे निकालूंगा मैं, कि अगर ब्रेक इवन पॉइंट की सेल्स 60 है तो टोटल सेल्स 100, और अगर ये सेल्स 18 लाख है तो कितनी भैया, तो ये 30 लाख हो जाएगी हमारी टोटल सेल्स, 30 लाख रुपीज। अब क्या करें, अब सेल्स आपके पास है, सेलिंग प्राइस आप चाहें तो निकाल ले, क्या पता आगे जरूरत पड़े, ठीक है, निकाल ही लेते हैं, सॉरी सेलिंग प्राइस तो है हमारे पास, सॉरी सेल्स यूनिट निकाल लेते हैं। सेल्स यूनिट्स 30 लाख रुपीज की सेल्स 60 से आपने डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा भाई, डिवाइड बाय 60, तो इसका मतलब अभी हम 50,000 यूनिट्स बेच रहे हैं। और भाई आगे जो देखो 2012 का जो अपना क्वेश्चन है आगे करना, वो प्रॉफिट पर बेस्ड है, तो हमें प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा कि हम प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं। जरा देखो भाई, प्रॉफिट अब दो तरह से निकाल सकते हो, यूनिट तुम्हारे पास आ गई, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तुम्हारे पास है, तो तुम चाहो तो ऐसे कर लो कि सेल्स गुना पीवी रेशियो कर दो इज इक्वल टू एफ प्लस पी, यहां से भी आ जाएगा सीधा प्रॉफिट, कि सेल्स है भाई मेरी 30 लाख
पीवी रेशियो है 20%, फिक्स कॉस्ट 3,60,000, फिक्स कॉस्ट है 3,60,000 और प्रॉफिट निकालना है। तो यहाँ से आप सीधे भी निकाल सकते हैं, तो 30 लाख का 20% हो जाएगा 6 लाख, और इसमें से 3,60,000 लेस हुआ तो 2,40,000। और नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो, यूनिट अब आपके पास आ गई 50,000 यूनिट और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 12, 50,000 को 12 से गुना करो, टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा कितना, 6 लाख, उसमें से फिक्स कॉस्ट 3,60,000 लेस कर दो और प्रॉफिट 2,40,000। ऐसे भी निकाल सकते हो जैसे आपका मन करे। तो जो हमारे बेस थे पिछले वर्ष के, जिस पर आगे काम करना है, वो हमने दोनों कंप्लीट कर लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं इन 2012 क्या होने वाला है, जरा उसको देखते हैं। हमने कहा जी हमारी वेरिएबल कॉस्ट है वो कितने से बढ़ जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 10% इंक्रीज। तो अभी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही थी आपकी पर यूनिट, 48 रुपया, तो इसमें 10% बढ़ा दो भाई, पर यूनिट 48 रुपये थी तो इसमें 10% अगर आप ऐड कर दो, 4.80 रुपये अगर आप ऐड कर दो, तो ये हो जाएगी 52.80, ठीक है 52.80। फिक्स कॉस्ट है वो भी 5% से बढ़ जाएगी, 3,60,000 है, इसमें 5% जोड़ दो भाई, 5% हो जाएगा इसका 18,000, तो 3,78,000 रुपीज मेरी नई फिक्स कॉस्ट हो जाएगी। अब चाहते क्या है वो, पहली बात तो कहते हैं कि वो सेलिंग प्राइस फिक्स करो जिससे कि पीवी रेशियो कितना बना रहे पहले वाला, और पहले वाला कितना है मुझे पता है 20%। अब पीवी रेशियो कैसे निकलता है, सी डिवाइडेड बाय एस, ठीक है मल्टीप्लाई 100 तो चलो हम बाद में कर लेंगे, बराबर होना चाहिए 20/100 के, ठीक है। अब कंट्रीब्यूशन भी नहीं है, सेलिंग प्राइस भी नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे ये पता है कि कंट्रीब्यूशन आता कैसे, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाया तो डिवाइडेड बाय एस, तो ये कंट्रीब्यूशन आ गया, ठीक है। वो चीज़ जो मैंने आपसे एक बार कही भी थी कि आप कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए, फिर फॉर्मूले आप अपने हिसाब से खेलते रहो जैसे चाहो, नहीं तो फिर आपको सब फॉर्मूले रटने पड़ेंगे। तो 20/100 मैंने सी की जगह लिख दिया S-V, क्योंकि मुझे पता है सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस किया तो कंट्रीब्यूशन आता है, और यहाँ से मुझे अब डायरेक्ट सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए जरा, तो 20 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 20S इज इक्वल टू 100S माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो अपने पास है, ठीक है पुट कर देते हैं, S माइनस वेरिएबल कॉस्ट है 52.8 डिवाइड बाय S। तो इस 52.8 को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये हो जाएगा 52.8 मल्टीप्लाइड बाय 100 5,280, ठीक है 5,280 ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां से आप इसको सॉल्व करें, 5,280 ये 100S को इधर लेकर आए, 80S = 5,280, सो S = 5,280 / 80, इट कम्स 66, ठीक है। सो सेलिंग प्राइस 66 रुपीज होना चाहिए, अगर सेलिंग प्राइस 66 रुपीज हम रखते हैं तो अपना पीवी रेशियो वही बना रहेगा जो पहले था। आप चाहें तो इसको चेक करके देख सकते हैं, 66 सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट 52.8, कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 52.8 में से आप इसको लेस कर दीजिए 13.2, और 13.2 को आप डिवाइड कर दीजिए 66 से, तो ये अगेन वही 20% आता है आपका पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। आगे बढ़ते हैं, दूसरी सिचुएशन में इन्होंने कहा कि हम सेलिंग प्राइस तो वही रखेंगे भैया 60 रुपये, लेकिन कॉस्ट बढ़ चुकी है, वेरिएबल कॉस्ट 52.8 हो चुकी है, फिक्स कॉस्ट 3,78,000 हो चुकी है, ठीक है। अब प्रॉफिट मुझे वही चाहिए जो पिछले बार मिल रहा था, प्रॉफिट 2,40,000 रुपये आ रहा था, तो वो प्रॉफिट कमाने के लिए मुझे ये बताओ मैं कितनी यूनिट बेचूं,
अब यहाँ सेलिंग प्राइस 66 नहीं ले रहे हैं, इन्होंने कहा सेलिंग प्राइस 60 ही रखना है, पुराना वाला। वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गई है, फिक्स कॉस्ट बढ़ गई है, तो अब बताओ ये प्रॉफिट कमाने के लिए कितने यूनिट्स में सोल्ड करूं। तो ये तो बड़ा सिंपल सा हो गया, वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी 52.8, 60 माइनस 52.8 तो 7.2 पर यूनिट कंट्रीब्यूशन आ गया, ठीक है। और अब आप यहां से नंबर ऑफ यूनिट्स आपको चाहिए, तो एफ प्लस पी डिवाइडेड बाय सी पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट कितनी है 3,78,000, प्रॉफिट चाहिए 2,40,000 और कंट्रीब्यूशन 7.2 से डिवाइड कर दीजिए, 3,78,000 प्लस 2,40,000 डिवाइड बाय 7.2 इट कम्स 85,833 यूनिट्स, 85,833 यूनिट्स अब आपको सोल्ड करने चाहिए कि आपका प्रॉफिट वही बना रहे जो आपने पिछली बार अर्न किया, ठीक है जी। तो इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और कितनी यूनिट्स एक्स्ट्रा सोल्ड करनी है अगर आपसे ये पूछे, तो कितनी यूनिट्स एक्स्ट्रा सोल्ड करनी है वो कैसे निकलाएगा कि पहले हम कितनी यूनिट सोल्ड कर रहे थे, पहले हम 50,000 यूनिट सोल्ड कर रहे थे और अब हमें 85,833 यूनिट को सोल्ड करना पड़ रहा है, 834 कर लीजिए इसको बल्कि अप्रोक्स करके, तो कितनी एक्स्ट्रा यूनिट्स हम सोल्ड कर रहे हैं, 50,000 इसमें से आपने लेस किया 35,834, इतनी एक्स्ट्रा यूनिट्स आपको सोल्ड करनी है। कितना आपसे ये भी पूछ सकता है कि कितना परसेंट हमें सेल्स बढ़ानी पड़ेगी, तो भाई 35,834 यूनिट बढ़ानी पड़ेगी, पहले जबकि हम बेच रहे थे 50,000, तो कितना परसेंट से मुझे अपनी सेल्स को बढ़ाना पड़ेगा, 35,834 डिवाइडेड बाई 50,000, ठीक है, तो 71.67% से मुझे अपनी सेल्स को बढ़ाना पड़ेगा। ये नहीं पूछा है क्वेश्चन, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि अगर मान लीजिए आपसे आगे पूछता है कि कितना परसेंट से हमें सेल्स को बढ़ाना चाहिए, तो आप बताएंगे कि अगर हम वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट के बढ़ने के बाद भी सेलिंग प्राइस पहले वाला मेंटेन रखना चाहते हैं, तो हमें अपनी सेल्स यूनिट 71.67% से बढ़ानी पड़ेगी ताकि हम पिछला वाला प्रॉफिट अर्न कर सके। भाई जाहिर सी बात है, देखो कॉस्ट बढ़ गई है और प्रॉफिट पुराने वाला चाहिए, तो या तो आप अपने सेलिंग प्राइस को भी बढ़ा दो, नहीं तो फिर यूनिट्स को बढ़ा दो, या तो वॉल्यूम बढ़ाओ या सेलिंग प्राइस को बढ़ाओ, ठीक है जी। तो तभी आप पुरानी उस सिचुएशन पर मेंटेन रख सकेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आप इसमें कर सकते हैं इजीली। लगभग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने लगभग इसमें सारे ही कवर कर दिए हैं आपके, एक चलिए और ले लेते हैं इसमें चलते चलते, एक इलस्ट्रेशन हम और ले लेते हैं इसमें, चलिए ये भी बड़ी अच्छी इलस्ट्रेशन है। और इसके बाद टाइम बचा तो एक की फैक्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम और ले लेंगे। तो इसको आप देखिए, इलस्ट्रेशन इसमें है, एट द बजटेड एक्टिविटी ऑफ 75% ऑफ टोटल कैपेसिटी, आपकी जो टोटल कैपेसिटी है, ठीक है, टोटल कैपेसिटी उसके 75% पर अगर आप काम करते हैं, ठीक है, एट 75% कैपेसिटी। ये भी क्वेश्चन लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, लैंग्वेज इसकी कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगी, आपको लैंग्वेज को समझना पड़ेगा इसको, तो मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज भी साथ साथ बोल रहा हूँ। इसलिए एट द बजटेड एक्टिविटी ऑफ 75% ऑफ टोटल कैपेसिटी, अपनी टोटल कैपेसिटी के 75% पर कंपनी अर्न्स अ पीवी रेशियो, इस लेवल पर कंपनी पीवी रेशियो अर्न करती है 75%। लीजिए अगर हम 75% कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं तो वहां पर हमारा पीवी रेशियो भी 75% है एंड प्रॉफिट 10% ऑन सेल्स, और यहां जो प्रॉफिट हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 10% ऑन सेल्स, सेल्स का 10%। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर द कंपनी हैड टू रिड्यूस इट्स प्राइस of the product by 10% due to recession and over offtake. अब हुआ क्या, ये यहाँ से next question शुरू हो गया।
अब कहते हैं कि रिसेशन आ गया मार्केट में, मार्केट में मंदी आ गई, उस वजह से मैंने अपने सेलिंग प्राइस को 10% से कम कर दिया है, रिड्यूस कर दिया। पहले कितना था सेलिंग प्राइस वो मुझे अभी पता भी नहीं। द कंपनी वाज एबल टू एक्चुअली अचीव ए प्रोडक्शन एंड सेल्स वॉल्यूम फॉर द इक्विवेलेंट टू 50% ऑफ इट्स टोटल कैपेसिटी। और इसके बाद भी सेलिंग प्राइस को 10% से घटाने के बाद भी सेल्स ज्यादा नहीं बढ़ी है। पहले हम 75% कैपेसिटी पर काम कर रहे थे और अब आप अचीव कर पा रहे हैं अचीव्ड कैपेसिटी ओनली 50%, केवल 50% कैपेसिटी आप पर आप अपनी सेल्स कर पा रहे हैं। दिस सेल्स वैल्यू एट दिस लेवल, और ये 50% लेवल पर सेल्स है कितनी, चलिए ये आपको दे दिए, यहाँ सेल्स है 13,50,000 रुपीज, 13,50,000 रुपये एट द रिड्यूस्ड प्राइस। और जो घटा हुआ प्राइस है, प्राइस 10% घटाने के बाद जो प्राइस है, रिड्यूस्ड प्राइस मतलब घटा हुआ प्राइस, वो 9 रुपया है। Due to reduction in production, actual variable cost went up by 2% of the budget. और variable cost जो है, जहाँ selling price तो कम हो गया, variable cost 2% से बढ़ चुकी है। You are required to find out the PV ratio and the break-even point at the actual sales activity. तो अभी हम जो काम कर रहे हैं इस capacity level पर, क्या तो हमारा PV ratio है और क्या हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, वो आप हमें बताएं। प्रॉफिट निकालना चाहे आगे आप प्रॉफिट निकाल लेना, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए पूरा क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ें, पहले कुछ बजट था, बजट पर कुछ सेलिंग प्राइस था, सेलिंग प्राइस कितना है वो नहीं दिया हुआ, लेकिन कहा कि सेलिंग प्राइस को 10% से घटाया और घटने के बाद 9 रुपया आया। तो यहाँ से हमें समझ में आ सकता है कि 9 रुपया सेलिंग प्राइस घटने के बाद है 10%, इसका मतलब घटने से पहले कितना था। सिंपल सी चीज हम वर्बली भी कर सकते हैं कि 10 रुपए सेलिंग प्राइस रहा होगा, तब उसको 10% से घटाया होगा 1 रुपए से, तो हमारे पास अब सेलिंग प्राइस 9 रुपया आ रहा होगा, ठीक है ना। तो एक तो ये चीज, और ये सेल्स 13,50,000 रुपए ये रुपीज में है, ठीक है। अब इसको आप यूनिट्स में लेकर आए, यूनिट्स में क्यों लेकर आए, क्योंकि देखो भाई ये वाली तो 9 रुपए के प्राइस से, और जो बजटेड सेल्स रही होगी वो रही होगी 10 रुपए वाले प्राइस से, तो पहले मुझे यूनिट का पता चल जाए। तो हम अभी क्या करने वाले हैं, हम अभी पहले अपना सेलिंग प्राइस निकालेंगे, बजटेड कितना और एक्चुअल कितना। हम अभी यूनिट निकालेंगे कि अभी यूनिट कितनी बेच रहे हैं, बजट के हिसाब से चलते हैं तो कितनी यूनिट बेच रहे होते हैं हम। इसके हिसाब से फिर ये निकालेंगे कि वेरिएबल कॉस्ट कितनी। अब मेरे पास यहाँ वेरिएबल कॉस्ट थोड़ी है, वेरिएबल कॉस्ट मुझे वहां से पता चलेगी कि मुझे वहां दे रखा था कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कितना है भैया। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 75% है, और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 75% होने का मतलब यह है कि मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी, मात्र 25% थी वहां, और वो वेरिएबल कॉस्ट भी 2% से यहां बढ़ चुकी है। तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटर रिलेटेड हैं। तो हम पहले इसको अच्छे से एनालाइज कर लें, ठीक है। और इससे क्या होगा, इससे आपकी जो कॉस्ट से रिलेटेड जो टर्म्स है उनको समझने में आपकी कमांड होती चले जाएगी इस क्वेश्चन से। तो मैंने यहाँ लिखा भैया बजट और यहाँ एक्चुअल, ठीक है। कुछ इंफॉर्मेशन इसके हेल्प से इसकी निकलेगी, कुछ इंफॉर्मेशन इसकी हेल्प से इसकी आ जाएगी। बजट पर तो 75% कैपेसिटी है और यहाँ 50% कैपेसिटी हम यूज करते हैं। चलिए मैंने लिखा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस यहाँ 9 रुपया है, ये गिवन है आपको। यहाँ कितना निकाल सकते हैं भाई कि 10% घटने के बाद सेलिंग प्राइस 10% से घटाया और घटा हुआ प्राइस 9 रुपया है, तो बताओ पहले प्राइस कितना था। वर्बली हो रहा है वैसे तो 10 रुपए, बट आप कैसे करेंगे, माना सेलिंग प्राइस पहले था 100 रुपया, 10% से घटाया तो अब आ गया 90 रुपया। अब अगर सेलिंग प्राइस 90 है तो पहले कितना था 100, और अब अगर सेलिंग प्राइस 9 है तो पहले कितना था 10। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस 10 रुपये आ जाएगा, कैसे, 100 / 19 × 9, तो 10 रुपया सेलिंग प्राइस आ गया। अच्छा, सेल्स यूनिट्स, यूनिट कितनी है,
यहाँ देखो 13,50,000 रुपए की सेल्स है और सेलिंग प्राइस 9 रुपया है। अगर मैं इससे डिवाइड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि कितनी यूनिट में बेच रहा हूँ। 1,50,000 यूनिट यहाँ पर बेची जा रही है। जब 50% कैपेसिटी पर काम कर रहे हो तो यूनिट बेची जा रही है 1,50,000। इसका मतलब 75% पर जो तुमने बजट बनाया था वहां यूनिट कितनी रखी होगी, 50% पर 1,50,000 और 75% पर कितनी आ जाएगी, 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 75 डिवाइड बाय 50, इट कम्स 2,25,000 यूनिट्स। इतनी यूनिट पर हमने बजट बनाया होगा। अब हमें चाहिए वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। अब ये सब चीजें हों तो फिर हम जो चाहे निकाल सकते हैं। वेरिएबल कॉस्ट, अब वेरिएबल कॉस्ट में निकालूं उससे पहले आप जरा एक चीज ये देख लो कि यहाँ हमारा पीवी रेशो कितना दे रखा था। पीवी रेशो यहाँ मुझे 75% दे रखा था। इसका मतलब पीवी रेशो 75% है तो इसका मतलब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यहाँ पर कितना था, 10 का 75%, 7.5 रुपया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ रहा था यहाँ बजट पर। आप चाहो इन दोनों को कंपेरेटिवली साथ साथ ना चलाओ, ऊपर नीचे अलग अलग कर लो, ठीक है, लेकिन साथ साथ इनको समझते जरूर चलो। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ जाएगी भाई आपकी, 10 में से 7.5 सेलिंग प्राइस लेस कर दो तो 2.50 रुपया आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और यहाँ वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ जाएगी भाई, 2.50 रुपया और उसमें 2% से वेरिएबल कॉस्ट आपकी बढ़ गई है, 2% से बढ़ गई है, 2.5 + 2% तो 2.55, 2.55 रुपया हो गई आपके वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गई, ठीक है जी। तो अब क्या आप पीवी रेशियो निकाल सकते हैं वहां, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो जरा सेलिंग प्राइस 9 रुपया, एक्चुअल कैपेसिटी पर बात कर रहा हूँ, वेरिएबल कॉस्ट हो गई है 2.55 रुपया, कंट्रीब्यूशन कितना हो गया है 9 - 2.55 6.45, तो पीवी रेशो कितना आ गया है, पीवी रेशो हो जाएगा 6.45 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई 100 तो 71.67%। आज जो हम जिस कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं वहां हमारा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो 71.67% है। 75% पहले था, उससे रिड्यूस होकर 71.67% हो गया। क्यों? क्योंकि ना केवल मेरा सेलिंग प्राइस कम हो गया बल्कि वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ चुकी है। बात प्रॉफिट की भी और करते हैं तो यहाँ अब मुझे यूनिट पता चल गई 2,25,000, ठीक है। क्या नहीं है मेरे पास, अगर आप गौर से देखें तो फिक्स कॉस्ट नहीं है, ठीक है। फिक्स कॉस्ट के बारे में ये तो बता रखा होगा फिक्स कॉस्ट बढ़ी है घटी है, नहीं फिक्स कॉस्ट का तो कहीं कोई जिक्र ही नहीं है, पर फिक्स कॉस्ट मिक्सिंग है उसको निकालना पड़ेगा। तो अब अगर यहाँ आपने ध्यान से क्वेश्चन सुना हो जब मैंने बोला था तो यहाँ से देखिए, जब आप 75% कैपेसिटी पर काम कर रहे थे तो आपका पीवी रेशियो 75% आ रहा था एंड यू आर अर्निंग प्रॉफिट 10% ऑन सेल्स। सेल्स पर आप 10% प्रॉफिट अर्न कर रहे थे तो ये चीज अब अपने काम आएगी। यहां से हम कहेंगे सेल्स रुपीज में कितनी है, तो यहाँ सेल्स यूनिट है 2,25,000 और सेलिंग प्राइस 10 रुपया तो सेल्स है 22,50,000 और प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट बजटेड कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ 10%, तो 2,25,000 रुपीज अपना प्रॉफिट है यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब आपको पता चल गया प्रॉफिट हमारा कितना है 2,25,000। यहाँ हमसे पूछा क्या था, अच्छा यहाँ तो हमसे ब्रेक इवन पॉइंट पूछा था। चलिए ब्रेक इवन पॉइंट भी तभी आएगा जब पहले मुझे फिक्स कॉस्ट का पता चले, तो यहाँ फिक्स कॉस्ट मिसिंग है इस क्वेश्चन में। तो चलिए अब तो सिंपल सी बात होगी, सेल्स मल्टीप्लाई पीवी रेशियो इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब तो निकल आएगी फिक्स कॉस्ट, सेल्स कितनी थी अपनी यहाँ 22,50,000, पीवी रेशियो बजटेड कैपेसिटी पर था 75%, तो 75/100, फिक्स कॉस्ट निकालनी है, प्रॉफिट कितना है 2,25,000, सो फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी भाई
आप देख रहे हैं इसको, 2,22,50,000 का 75% मैंने किया और माइनस इसमें से किया 2,25,000, तो फिक्स कॉस्ट आई मेरी 14,62,500। ये फिक्स कॉस्ट है, और फिक्स कॉस्ट पता होने के बाद तो जो चाहे निकाल दो भाई। फिक्स कॉस्ट आ गई आपके पास, अब आपको बताओ क्या चाहिए। अब सारी इंफॉर्मेशन है आपके पास, आपको नया ब्रेक इवन पॉइंट चाहिए, तो ब्रेक इवन पॉइंट 14,62,500 को 71.67% से डिवाइड कर दो, ठीक है। फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो ऐसे ही करते हैं, तो ब्रेक इवन सेल्स हमारी कितनी आएगी, 20,40,602, इतनी सेल्स आएगी। क्या आप अभी ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुंचे हुए हैं? नहीं पहुंचे हुए, आप देख सकते हैं यहाँ आपको लॉस हो रहा है, ठीक है, क्योंकि 20,40,602 रुपए पर तो जाकर आपका ब्रेक इवन पॉइंट होगा। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि अभी आप यूनिट कितनी बेच रहे हैं, 1,50,000, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 71.67, 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 71.67, तो 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 71.67 भाई, सॉरी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है इनका 6.45, 71.67 तो पीवी रेशियो है 6.45, 6.45 रुपया, 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 6.45 तो ये आता है 9,67,500, ये टोटल कंट्रीब्यूशन, और फिक्स कॉस्ट है 14,62,500, तो प्रॉफिट कहाँ आ रहा है, तो लॉस आ रहा है। वही हम बता रहे कि ब्रेक इन पॉइंट पर हम अभी पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। ब्रेक इन पॉइंट आप चाहे यूनिट में भी निकाल सकते हैं, 14,62,500 को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 6.45 से डिवाइड कर दो तो ये यूनिट में आ जाएगा, ठीक है। बट जो चीज थी मेन वो लैंग्वेज थी इसमें, और क्या मिसिंग है उस चीज को समझना था, उसको आप समझ लें तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इनको करने में, ठीक है। और बस एक क्वेश्चन और लेते हैं, लास्ट रहेगा ये, की फैक्टर से रिलेटेड आपका एक एग्जांपल और हो जाएगा इस सामने। चलिए एक एग्जांपल ये लास्ट में ले रहा हूं, उसमें की फैक्टर से रिलेटेड, वैसे तो हमने इस पर काम किया है, काफी क्वेश्चन कर चुके हैं, बट चलिए एक एग्जांपल में होगा। तो आपके पास तीन प्रोडक्ट्स हैं एक्स वाई एंड जेड, और ये है इनका सेलिंग प्राइस 100, 75 और 50। पीवी रेशियो 10, 20 और 40, ये परसेंटेज में है भैया पीवी रेशियो। मैक्सिमम सेल्स पोटेंशियल, मैक्सिमम सेल्स आप जो कर सकते हैं 40,000 रुपीज, 25,000 और 10,000, और रॉ मेटेरियल एज ए परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, रॉ मेटेरियल परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, सभी में वेरिएबल कॉस्ट का 50% रॉ मेटेरियल, और ये रॉ मेटेरियल शॉर्ट सप्लाई में है, और आपके पास रॉ मेटेरियल केवल 18,00,000 रुपीज वैल्यू का रॉ मेटेरियल है। देखो थोड़ा सा अलग हो गया है क्वेश्चन, हमने की फैक्टर प्रॉब्लम के क्वेश्चन करे थे, वहां रॉ मेटेरियल लिमिटेड था, तो क्या था, इतने किलो लिमिटेड है, इतने लीटर, इतने मीटर, यहाँ रुपीज फॉर्म में दे रहा था कि इतने रुपए का मेटल है मेरे पास, कोई बात नहीं, इसका भी तरीका वही रहेगा। और आपके पास जो है टोटल फिक्स कॉस्ट है वो है 6,80,000,
अब आपसे चाहते हैं कि आप एक ऐसा इनको प्रोडक्ट मिक्स बनाकर दें जिससे कि ये इस 18 लाख रुपए के रॉ मटेरियल को यूज करते हुए अपने लाभ को मैक्सिमाइज कर सके, अधिकतम कर सके। तो शुरू में तो जो हमें करना है अपना पैटर्न अपना तरीका वही रहता है, तो हमने तीनों का पहले कंट्रीब्यूशन निकालना है, ठीक है, एक्स वाई एंड जेड। सेलिंग प्राइस हमने लिखा 100, 75 और 50। पीवी रेशियो है 10%, 20% और 40%। पीवी रेशियो का परसेंटेज कंट्रीब्यूशन को बता रहा है, इसलिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा हमारे पास 100 का 10% 10 रुपया, 75 का 20% 15 रुपया और 50 का 40% 20 रुपया। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हम निकाल सकते हैं 90, 60 और 30। ये अपनी वेरिएबल कॉस्ट आ गई अगर हमें आगे जरूरत पड़े तो। आगे बढ़ते हैं इस वेरिएबल कॉस्ट का। देखो रॉ मेटल हम जनरली निकालते हैं कि इतने किलो है ना, कि हमें कहा कि 50 रुपए का मेटल लगा और मेटल का रेट 5 रुपए पर केजी है, तो हमने कहा हाँ भाई यहाँ 10 किलो मेटल लग गया, 50 रुपए का मेटल 5 रुपए पर केजी के हिसाब से आया, इसका मतलब 10 किलो मेटल यूज हुआ। लेकिन यहाँ क्वांटिटी फॉर्म में नहीं है, यहाँ सब कुछ रुपीज में है और जो अवेलेबल है वो भी रुपीज में दे रखा है। तो हमें कहा कि रॉ मेटल लगता कितना है, रॉ मेटल पर यूनिट, कहता है कि वेरिएबल कॉस्ट का 50% लगता है जी। तो जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है उसका 50% यानी कि इसका आधा 45 या 30 और ये 15, इतना रुपये का मेटल लग रहा है। अब देखो जब मेटल मेरे पास किलो में था तो मैंने कहा कि कितना किलो मेटल लगता है भाई, इतना किलो, आप इसको ऐसे समझना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मान लो 10 रुपया, ठीक है, और यहाँ मुझे होता कि दे रखा होता है कि 2 किलो मेटल लगता है, मैं कहता कि हर किलो मेटल में कितना कंट्रीब्यूशन मिल रहा है भैया, 5 रुपये का, और फिर मैं देखता कि मेटल कितना किलो अवेलेबल है। अब यहाँ मेटल जो अवेलेबल है वो 18 लाख रुपए का है और 45 रुपए के मेटल में 10 रुपये कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, यानी कि यहाँ मैं क्या कहूँगा कि हर एक रुपये के कंट्रीब्यूशन में, हर एक रुपये के मेटल में कितना कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। तो यहाँ मुझे जो निकालना पड़ेगा की फैक्टर के लिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या पर रुपी ऑफ रॉ मेटल, रॉ मेटल के हर एक रुपये से मुझे कितना कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। यहाँ 20 रुपये कंट्रीब्यूशन मिल रहा है जब मैं 15 रुपये का रॉ मेटल लगा रहा हूँ ऐसे, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ रॉ मेटल। तो यहां से अगर हम इसको लें 10/45, 22 पैसे मिल रहे हैं सर, हर एक रुपए का मेटल मुझे 22 पैसा देकर जा रहा है, यहाँ 50 पैसा, और यहाँ अगर आप देखें 20/15 तो यहाँ मुझे मिल रहा है 1.33। तो रैंक जब हम बात करेंगे तो फर्स्ट रैंक जाहिर सी बात है इसको दी जाएगी, इसको सेकंड रैंक देंगे और इसको थर्ड रैंक। और अब इस रैंक देने के बाद हमें इस प्रोडक्ट मिक्स को फिक्स करना है कि कौन से प्रोडक्ट को कितनी मात्रा में बनाया जाए। तो ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स बनाते हैं। अभी हमने जो क्वेश्चन करे सब में दो दो प्रोडक्ट हुआ करते थे, तो वहां तो चाहे आप टेबल ना भी बनाते तब भी काम चल जाएगा, यहां लेकिन जो मैंने आपको सजेस्ट की हुई है वो टेबल आप जरूर बना लें, आपका काम आसानी से हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो यहां आपने लिखा रॉ मेटल अवेलेबल कितना है, ठीक है, यहां आपने लिखा प्रोडक्ट कि पहले कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं, फिर यहां प्रोडक्शन कि कितना प्रोडक्शन करेंगे, कितनी यूनिट हम उसकी बनाएंगे, ठीक है, फिर पर यूनिट रिक्वायरमेंट, एक यूनिट को बनाने में कितना रॉ मेटल लगेगा, टोटल रिक्वायरमेंट कुल रिक्वायरमेंट कितनी लगेगी और बैलेंस कितना बचेगा फिर अगले के लिए, जिस तरह से आपको पहले करवाया हुआ है वही चीज। तो 18 लाख रुपीज आप यहां ले लें। प्रोडक्ट सबसे पहले कौन सा प्रोडक्ट आप तैयार कर रहे हैं, प्रोडक्ट जेड, रैंक है अपनी जेड, फिर वाई, फिर एक्स, तो ये प्रोडक्ट आपने तैयार करना है। अब इसका मैक्सिमम डिमांड कितनी है,
मैक्सिमम डिमांड है 10,000 की, यानी कि उससे ज़्यादा तो बनाना भी बेकार, उससे ज़्यादा तो बिकेगा भी नहीं। तो यहाँ आप केवल 10,000 यूनिट इसके बना पाएंगे, क्योंकि डिमांड से आगे जाना तो बेकार है। पर यूनिट रिक्वायरमेंट, एक यूनिट को बनाने में कितना रॉ मेटेरियल लग रहा था वो आप यहाँ से देख लो। हर एक यूनिट को बनाने में यहाँ से अगर आप गौर करें देखें तो 15 रुपए का रॉ मेटेरियल यहाँ यूज हो रहा था, वहां 30 और वहां 45 था। तो 15 रुपीज का रॉ मेटेरियल यहाँ यूज हो रहा है, टोटल कितना यूज हो गया 1,50,000, और बैलेंस कितना बचा 18 लाख में से 1,50,000 लेस कर दो तो 16,50,000, इतना रॉ मेटेरियल हमारे पास बच गया। इसको आगे ले आओ। अब अगली रैंक हमने दी हुई है वाई को, और वाई की डिमांड है कितनी, वाई की मार्केट डिमांड है 25,000 आप देख पा रहे होंगे, और फिर इसकी 40,000। तो वाई की 25,000 और इसकी एक यूनिट को बनाने में 30 रुपए का रॉ मेटेरियल चाहिए तो कितना लग जाएगा 7,50,000। तो हमारे पास 16,50,000 में से 7,50,000 और चले गए तो 9,00,000 रुपए का रॉ मेटेरियल हमारे पास बचा किसके लिए, तीसरे प्रोडक्ट यानी कि एक्स को बनाने के लिए। और एक्स का प्रोडक्शन वैसे तो 40,000 है इसकी डिमांड, लेकिन 40,000 को अगर आप बनाना चाहते हैं तो पर यूनिट रिक्वायरमेंट है फिर 45, तो 45 × 40 अगर आप करेंगे तो फिर आपको 18,00,000 रुपए का मेटल चाहिए, वो आपके पास है नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं, ये 9,00,000 रुपीज को यूज करते हुए कितनी यूनिट बन सकती है उसको इससे डिवाइड कर लो, 9,00,000 रुपए का मेटल है और एक यूनिट को बनाने में 45 रुपए का मेटल यूज होना है तो 20,000 यूनिट्स आप इसकी बना सकते हैं। तो अब अपना ऑप्टिमम जो प्रोडक्ट मिक्स आया, एक्स की हम लोग बनाने वाले हैं 20,000 यूनिट, वाई की 25,000 यूनिट्स और जेड की 10,000। अब कोई हमसे पूछता है कि बताओ इसमें प्रॉफिट कितना होगा, तो मैं अब यहीं पर लगे हाथ कर देता हूं। इसमें प्रॉफिट निकालने के लिए अब मैं टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल रहा हूं इनसे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब ध्यान रखना कंट्रीब्यूशन अब पर यूनिट लेना, अब वो रॉ मेटेरियल पर रुपी वाला नहीं लेना। अब ये 22 पैसे वाला है इनको उठाओ, इनकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपने ऊपर ले रखा है 10 रुपया, 15 रुपया और 20 रुपया पर यूनिट वाले, वो ही तो यूनिट से गुना करेंगे, 10, 15 और 20, ये अपना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 10, 15 और ये 20, ठीक है। तो 2,00,000 और ये कितना हो जाएगा भाई, 25,000 × 15, 3,75,000 और ये अगेन 2,00,000, ठीक है। चलिए तो अब ये कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 7,75,000 रुपीज का प्रॉफिट। इसमें से अब अपने फिक्स कॉस्ट आप लेस कर दीजिए, फिक्स कॉस्ट हमें दे रखी थी क्वेश्चन में 6,80,000, तो प्रॉफिट हमें मिलेगा 95,000 जो कि मैक्सिमम है, जो कि ऑप्टिमम है। नहीं तो आप करके देख लो, मान लीजिए आप एक्स को ही बनाते, एक्स की मार्केट डिमांड आपने देखा 40,000 है, और 40,000 को बनाने के लिए हमें कितना मेटल चाहिए होता था 18,00,000 का। अगर आप मान लो एक्स की ही पूरी 40,000 यूनिट बना डालते इससे, तो आपको कंट्रीब्यूशन कितना मिलता, 4,00,000, बस 4,00,000 रुपये कंट्रीब्यूशन मिलता, और फिक्स कॉस्ट आती 6,80,000, तो प्रॉफिट के बजाय लॉस हो रहा होता, ठीक है। तो ये जो यूज है, ये जो हमने रेशो बनाया है, ये रेशो, इसको हम ऑप्टिमम रेशो बोल सकते हैं, ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो सेवरल जो भी मार्जिनल कॉस्टिंग बेस्ड क्वेश्चन थे या डिसीजन मेकिंग बेस्ड क्वेश्चन थे, उन मिसलेनियस क्वेश्चन को हमने आज इसमें कवर कर लिया है। नेक्स्ट टाइम हम लोग ब्रेक इवन चार्ट करेंगे, और उसके साथ ही फिर इसका लास्ट टॉपिक रहेगा, इसको खत्म करेंगे, ठीक है।